भाई सुजी दीजिए। इसी कटोरी से आधा कटोरी दीजिए दही। थोड़ा सा डालिए पानी। इतना पानी डालिए कि पूरा सूजी अच्छे से भींग जाए और इसको ढक के साइड में रख दीजिए। अब बनाएंगे टमाटर और प्याज की चटनी। 2 चम्मच तेल लीजिए। ये है चना दाल, ये है उड़द दाल 1-1 चम्मच, ये है आधा चम्मच राई, आधा चम्मच जीरा और 1 सूखी लाल मिर्च। अब इसमें डालिए 1 प्याज। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और यह थोड़ा सा लहसुन और डालिए 3 से 4 टमाटर। नमक ये 2 हरी मिर्च है। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, इससे चटनी का कलर अच्छा आएगा। और 1 चम्मच गरम मसाला। और ये है कच्चा आम 1 टुकड़ा, आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हैं। अब इस चटनी को रखें।
रखिए हटा के साइड में, जब ये ठंडा होगा तो इसको पीस लेंगे। अब बनाएंगे आलू मसाला, तो फिर से लीजिए 2 चम्मच तेल। ये है थोड़ा सा जीरा और राई के दाने, सरसों। यह है 2 हरी मिर्च और 1 प्याज। और ये थोड़ा सा करी पत्ता। यह है 1 गाजर कद्दूकस किया हुआ। और ये 1 टमाटर। नमक, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। और ये है थोड़ा सा हरे धनिया का पाउडर। अब ये है 5-6 आलू। अब इसमें डालिए उबला हुआ आलू। अब इसको भी रखिए साइड में। ये प्याज और टमाटर का चटनी पीसेंगे बिना पानी डाले हुए। ये टमाटर प्याज की चटनी बनके तैयार है। इसको आप डोसा, इडली सबके साथ बना सकते हैं। अब ये सूजी फूल गया है और इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसको मिलाइए।
इसमें डालिए थोड़ा सा नमक। और ये थोड़ा सा है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। इस तरह का ये बैटर इस तरह का बना लीजिए। और एक तवा गरम करेंगे और इसमें डालिए रिफाइंड। थोड़ा सा तेल डालिए। अब इसको ढक के पकने दीजिए। अब इसमें लगाइए थोड़ा सा चटनी टमाटर वाला। कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर, शिमला मिर्च सभी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से भी बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। अब इसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। ये है थोड़ा सा प्याज और ये बहुत ही टेस्टी उत्तपम बन के तैयार है। इसको जरूर बनाइए और मेरे चैनल पे बने रहिए।